जी, तो फाइनली जिस चीज के लिए आज हम इतनी दूर आए हैं वो पपीज हमारे सामने है गाइस। ये रहे वो इंडिया के सबसे पहले सिल्वर कलर के पपीज। इसको ले जाता हूँ मैं घर पे, इधर आता हूँ, इधर आता हूँ, तेरे को ले जाऊँ घर पे मैं। इसकी आईज देखना, बिल्कुल अपने फादर जैसी है। जैगुआर, ये वही है क्या जिसको सोनी कहती थी पहले जैगुआर ले लो पूरे एक्टे में? हाँ, क्यूटी पाए। हाँ, वाह यार। What's up everybody? क्या हाल चाल? So, आज का जो व्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया के सबसे पहले, आप कह सकते हैं, सिल्वर कलर के फ्रेंच बुलडॉग पपीज। और साथ ही साथ हमारे दलविंदर पाजी से मिलेंगे, तो उनके पास तो बहुत सारे अलग अलग डॉग्स हैं, तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगा। सो मेक श्योर टू वॉच द पूरा व्लॉग, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और साथ ही साथ अगर आपको ये दो प्यारे प्यारे बच्चे भी अच्छे लगे हैं, ये जो दो गरीब बच्चे हैं इनके लिए भी लाइक ठोक दो गाइस, ठोक दो लाइक, प्लीज़ लाइक ठोक दो वीडियो पे। A few moments later. तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं फिलहाल हमारे दलविंदर पाजी के यहाँ, और आज हमारे साथ शाश्वत भाई भी आए हैं। जो लोग शाश्वत को नहीं जानते, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग देखोगे तो आपको शाश्वत ही दिखेगा और कोई नहीं दिखेगा, मैं भी नहीं दिखूंगा। तो अभी चलते हैं अंदर। गाइज इस घर से तुम्हारा बहुत पुराना रहा है, सीधा ही घुस जाएंगे हम। अरे जब भी यहाँ पर आओ सबसे पहले आपके साथ साथ आपके बच्चों के दर्शन हो जाते हैं। वाह जी वाह। आज ये कौन है बाजी, कौन सा है? ये राजा है जी, राजा। लास्ट टाइम मिले तो थे इससे हम। वाह, और ये छोटू राजा, छोटा राजा है, वाह। ये इसी का पप्पी है। वाह जी वाह। ओए राजा, अच्छा मैं ये देख रहा हूँ कि इसके कोट अभी फिलहाल शेड है थोड़ा सा जी, अभी गर्मी की वजह से इसका कोट शेड है। ओए 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 राजू, क्या बात है, वो देखना। वाह जी वाह। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको गाइस, यहाँ पे हर बार जब भी आप ना आओ ना, यहाँ पे स्टॉक ही स्टॉक दिखता है मुझे खाने का डल पड़ा हुआ। तो पाजी आज स्पेशली हम आए हैं आपके फ्रेंच बुलडॉग दिखाने जी, जी जी। तो आप थोड़ा सा बताएं हमारे को कौन से पपीज़ हैं आज, कैसे कलर के पपीज़ हैं आज जी। सबसे पहले तो बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में सबसे पहले सिल्वर कलर के जो सिल्वर के हाँ जी फ्रेंच बुलडॉग आए हैं वो अपने पास आए हैं। क्या बात है। उनका फादर वो चाइना से इम्पोर्ट है सिल्वर कलर का, हाँ जी, और मदर है वो भी इम्पोर्ट है ब्लू कलर की। वाह, बड़े अच्छे बड़े प्यारे बच्चे हैं, और ब्लू लैलिक और मरले बच्चे भी दिखाएंगे आपको। क्या बात है। आज मैं स्पेशली, मेरे को था कि आज मैं कुछ ऐसे डॉग्स दिखाऊँ जो सिर्फ हमारे को हमारे दलविंदर पाजी दिखा सकते हैं इंडिया में स्पेशली, तो आज वही चीज़ कामयाब होगी। और ये देखना कितना ज़्यादा प्यारा पपी है यार, वाओ। ओए ये तो बहुत स्मार्ट लड़का है। हाँ तो जी गाइस अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं गार्डन में। तो लास्ट टाइम भी आपने व्लॉग देखा है अगर पाजी के साथ, तो यहीं पर हम मोस्टली डॉग्स को दिखाते हैं। और ये देखना जी, ये सारी इनकी जो फ्रेंच बुलडॉग गैंग है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। तो अभी हम एक एक करके सारों से इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले मैं कराऊंगा ज़ेब्रा से आपको इंट्रोड्यूस। ज़ेब्रा ये देखना गाइस, इसका सबसे पहले तो लास्ट टाइम भी मैंने इसको दिखा था, इसका कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी है, और साथ साथ इसकी जो आँखें अभी वो छाओ में आए। ये ले ले भाई, अपनी आँखें दिखा पहले, आँखें बंद कर रखी है उसने धूप के मारे। ओए हाँ जी, आप कौन हो भाई, क्या नाम है इसका? वोल्वो। अरे वाह क्या नाम रखे हैं पाजी रे यार। ज़ेब्रा की मैं आपको अभी आईज दिखाता हूँ। आपने हस्की में ब्लू आईज देखा होगा और ओल्ड आईज देखा होगा, तो ये है हमारा फ्रेंच बुलडॉग जिसकी ब्लू आई भी है और दूसरी एक और ग्रीन कलर की भी आई है, और साथ ही साथ सिल्वर से भी मिलवाते हैं। और ये तीसरे वाला कौन सा है, मैं इसका नाम भूल जाता हूँ यार। कार्लो। हाँ ये तो सबसे फेवरेट है यार, कार्लो। हाँ वाजी वाह। और ये रहे मिस्टर सिल्वर, हेलो। अच्छा सिल्वर का ना आज स्पेशली पप्पी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो इसी के पप्पी दिखाने वाला हूँ, सिल्वर के, जो कि पहले इंडिया के पहले सिल्वर कलर के पप्पी है ना। वाह जी वाह। अच्छा ब्लू और सिल्वर में क्या फ़र्क होता है पाजी कलर शेड में? ब्लू जे रहता है जो ब्लैक जैसा होता है। अच्छा ठीक है, और ये है प्रॉपर सिल्वर सिल्वर। हाँ ये तो है। और ये जो कार्लो है, ओए ये ललित टैन है। वाह जी वाह। को एक बार फिर से अभी दिखाता हूँ, ये अभी अभी सारे के सारे अटेंटिव है। बाकी ये पपीज़ की जो मदर है वो ये है इन पपीज़ की, और फादर तो अभी मैंने आपको दिखाई दिया है। अब ये देखना, ये इनको कैमरा दिखा है, पागलों ने उधर तरफ मुंह कर लिया है। ओ जी
तो फाइनली जिस चीज़ के लिए आज हम इतनी दूर आए हैं वो पपीज हमारे सामने हैं गाइज। ये रहे वो इंडिया के सबसे पहले सिल्वर कलर के पपीज। वाओ क्या बात है यार। चलो जी, सिल्वर के बाद ना हमारे पास और भी सरप्राइज है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मार्ले कलर में, और एक दूसरा कौन सा है? वो सेवल कलर है। वाह यार पाजी, मतलब मैंने एक बात नोटिस की, दलविंदर पाजी के पास जब भी आओ ना, इनके पपीज एक तो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, और वो देखो और बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे हम अपने घर में बच्चे रखते हैं ना वैसे रखे होते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और ये और आ गए हैं, अरे भाई साहब क्या बात है। अच्छा पाजी, इतने सारे जो पपीज होते हैं इनकी टेक केयर करने में थोड़ा सा दिक्कत तो आती होगी, है ना? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आती सर, क्योंकि हमारा फैमिली वर्क है, पूरी फैमिली को इनका शौक है। वाह, पूरी मेरे मदर, मेरी वाइफ और मैं खुद सभी हम इनके साथ ही रहते हैं। ये देखना सारे के सारे, ओ सारे के सारे पूरे के पूरे एक्टिव हैं। हाँ हाँ, ओए क्यूटी पाए। हाँ वाह यार पाजी, और कितनी एज के हो गए हैं सारे पपीज? अभी जे 58 डेज के हो गए सर। 58 डेज के, सभी का एक दिन का ही बर्थ है सभी का। अरे वाह, इनका दिखाना, अलग अलग मदर है ना वैसे इनके सबके ऑलमोस्ट। अभी इनकी वॉल्वो ही साथ में आई है जो सिल्वर बच्चों की मदर है। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको एक एक करके सभी पपीज के बारे में दिखाता हूँ थोड़ा सा, कौन कौन सा पपी। तो सिल्वर वाले पपी जो है दिखाना पाजी, तो ये है सिल्वर। अच्छा, मैंने वही वाली बात पाजी से पूछी थी, ब्लू और सिल्वर में क्या फ़र्क होता है। इनका कलर प्रॉपर सिल्वर है, जैसे आप सिल्वर का कोई भी हम कलर देखते हैं या फिर सीमेंट का भी कह लो, सिल्वर कलर भी होता है ऑलमोस्ट, है ना? तो ये वो वाला कलर। इनकी आईज जो है ना, इसकी मैं दिखाता हूँ आपको, जो आईज है वो भी एग्जैक्ट सिल्वर कलर की है। वाह जी वाह। और ये वाला कौन सा कलर है? जिसका फादर कौन है? इसका जेब्रा। जेब्रा, वही ना, इसकी आईज से पता लग रहा है, ब्लू आईज है इसकी, तो इससे पता लग रहा है साफ ये जेब्रा है। ओई ओई वाह जी वाह। ये ब्लैक टैन, ब्लैक टैन मुझे बहुत पसंद है यार, देखना। हाँ हाँ, तेरा मुंह क्यों खुला है भाई? पढ़ाई सिल्वर है। हाँ थोड़े छोटे इनके कान खड़े हो गए हैं, बड़े छोटे हैं यार। ये कॉम्पैक्ट साइज बनने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ये ब्लू है, ये अलग। इसका फादर कौन है? इसी लेटर में से है जे। अच्छा, का बच्चा है। ये मम्मी पे गया है? ये मम्मी पे चला गया। ओए ये देखो गाइस, ये गया अपनी मम्मी के ऊपर, ब्लू कलर का। वाह यार बहुत ज़्यादा प्यारे। फ्रेंच बुलडॉग वैसे भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड में से एक है, और मैं हर बार पाजी को कहता हूँ कि अगर मैं और डॉग ले सकता तो मैं एक फ्रेंच बुलडॉग उठा लेता, और हर बार। और उधर पीछे देखना, ए वो देखो, वो सामने देखना, वहाँ पर वही शरारतें चल रही हैं। So, पाजी यार, आप किस टाइप के पेट पेरेंट को ये वाले ब्रीड सजेस्ट करते हो मोस्टली? क्योंकि आपके पास और भी ब्रीड्स हैं, गोल्डन रिट्रीवर भी है, हस्की भी आपने रखा हुआ है, तो आप अलग अलग, समझ रहे हो ना, अलग अलग टाइप के पेट पेरेंट्स होते हैं, आप किन को ये सजेस्ट करते हो इनको रखने के लिए? जो स्मॉल ब्रीड है, इसीलिए मैं उन पेरेंट्स को सजेस्ट करूँगा जो ब्रीड जो फ्लैट में रहते हैं और जिनके पास थोड़ी जगह की कमी है, क्योंकि जो छोटी ब्रीड है वो पेरेंट्स उसको अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि लार्ज ब्रीड नहीं है, बच्चों के साथ खेलने वाली ब्रीड है। और इसीलिए जो लोग फ्लैट में और कॉलोनी में रहते हैं, जिनके पास मतलब स्पेस की इशू है, जैसे क्योंकि बड़ी ब्रीड को गार्डन भी चाहिए, गार्डन भी चाहिए, घर के अंदर थोड़ा भागना खेलना भी है। ये एक बात जरूर है कि टाइम इनको जरूर देना पड़ेगा, टाइम इनको बच्चों के जैसे देना पड़ेगा, इनकी वैक्सीन का ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर, इनको प्यार करना पड़ेगा। ऐसी ब्रीड है यार ये, मतलब ब्रीड का देखो गाइस इतना फैक्टर नहीं रहता, बट डॉग डॉग्स होते हैं, आप जानवर से प्यार करते हैं तो आपको ब्रीड से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर आप ये ब्रीड लेते हो तो इनको भी एज इट इज़ ही बच्चों की तरह ही केयर चाहिए, जैसे हम एक अपने घर में बच्चा लाते हैं ना, छोटा बच्चा पैदा होता है वैसे ही। और ये देखना शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं एक तो ये ना। अच्छा गाइस, साथ के साथ एक तो यहाँ पे फ्रेंच बुलडॉग तो है ही है, यहाँ पर हमारे को आज ब्रिटिश बुलडॉग भी देखने को मिला है। क्या नाम है पाजी इसका? जैगुआर। ये वही है क्या जिसको सोनी कहती थी पहले जैगुआर ले लो? ये इस पे ही बना क्या गाना? क्या कलर है यार जैगुआर का यार, कौन सा कलर है इसका एग्जैक्ट बताओगे थोड़ा ऑडियंस को यार?
ये मरले है जी, और इसमें टैन कलर भी है, मेलिक भी है। वाह। तो पाजी अभी फिलहाल जो ये जैगुआर है ये कितनी एज का है? अभी जी 9 मंथ का हो गया जी। 9 मंथ्स का? अरे वाह, तो मतलब अभी तो पपीज वगैरह इसके नहीं आए हैं? वाह जी वाह। ये इंडियन है, बी आई है या इम्पोर्ट? बी आई है, बी आई है। वाह यार क्या बात है, देख रहे हो गाइस इंडिया में भी ऐसे एक्सोटिक कलर के जो बुलडॉग्स है ना कितने मस्त मिल रहे हैं ना। तो गाइस ये भी लैलिक है ना? जी जी लैलिक। और ये फ्रेंच बुलडॉग ही है? जी फ्रेंच बुलडॉग ही है, लेकिन ब्रिटिश बुलडॉग जैसा है जी। हाँ, इसका कितना देखना है ये कितने महीने का? और ये अभी तुझे 32 डेज का है जी। हाँ, बस ऑलमोस्ट 1 महीने प्लस है यार। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी गाइस अगर आपको किसी को भी इन पपीज़ के बारे में कोई भी क्वेरी करनी है, मैं पाजी का इंस्टाग्राम और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो आप सभी पाजी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी इन पपीज़ के बारे में वाह जी वाह। स्पेशली जितने भी सारे पपीज़ होते हैं वो केयर बहुत ज़्यादा मांगते हैं, और मतलब अगर आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 पपीज़ हैं तो ऑलमोस्ट 10 जाने तो इन सबकी केयर कर रहे होंगे, पूरी फैमिली इन सबकी केयर करती है। तो एक बहुत टफ रहता है जब आप एक पपी को ग्रो कराते हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने की जो जर्नी होती है ना, वो एक डॉग ऑनर को या फिर जिसके पास पपीज हुए हैं उनसे पूछो कि वो जर्नी कैसी है। तो बाकी हम सब तो बहुत इजीली कमेंट कर देते हैं, आप ब्रीड को प्रमोट करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, भाई डॉग डॉग होता है, कोई ब्रीड नॉन ब्रीड या कोई भी ब्रीड से कोई मैटर नहीं करता है, एक एनिमल लव होता है, मेरा काम है एनिमल लव को सपोर्ट करना। और ये इन सभी प्यारे पपीज़ को मैं, चाहे यहाँ पे कोई स्ट्रीट डॉग होगा या चाहे ये है ब्रीड वाले, इन सबको हमारा एक लेवल का ही प्यार है। बोंदू हाँ इसको ले जाता हूँ मैं घर पे, इधर आता हूँ तेरे को ले जाऊँ घर पे मैं। इसकी आईज देखना बिल्कुल अपने फादर जैसी है। गाइस अभी हम फिलहाल यहाँ करेंगे एक अच्छा सा फोटोशूट जो कि हम दलविंदर पाजी के इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। सो बाकी थैंक यू सो मच पाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है हर बार, और ये इन पपीज से मिलकर तो मेरा को मज़ा आ गया, एंड आई होप इनको सबको अच्छी अच्छी फैमिलीज मिले, है ना? जी 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 जी। थैंक यू सो मच पाजी।